हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ में आपकी लाइव क्लास हो रही थी, लेकिन आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो या जो भी कारण हो सकता है, कुछ भी, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे जहां तक पता है, शायद आप सबके पास, आपके पेरेंट्स ने आपको फोन, सबके पास लगभग 80% बच्चों के पास फोन है, तो नहीं अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आगे से, ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए सर, टेंथ क्लास में लाइव क्लास हो रही है, हमारी नहीं हो रही। हमने तो सोचा था भाई फैसिलिटी है तो सबको दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, दो बैलों की कथा। आज अपना जो पहला टॉपिक है क्षितिज भाग फर्स्ट, जिसमें है दो बैलों की कथा। देखना ध्यान से, दो बैलों की कथा ये पार्ट है जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। सबसे पहले अपन लेखक के बारे में पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। उससे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के लेखक है। तो देखो ध्यान से, प्रेमचंद, सबसे पहले अपन लेखक का परिचय पढ़ते हैं कि लेखक कौन है। तो प्रेमचंद का जन्म, प्रेमचंद का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म वो जो 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था, उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यानी कि प्रेमचंद जी का जन्म है जो 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था, बनारस के एक लमही गांव में, छोटा सा गांव है। उनका मूल जो नाम था वो धनपत राय था, मुंशी प्रेमचंद उन्होंने किसी को, उनको किसी ने उपाधि दी थी। प्रेमचंद का बचपन का जो अभाव में बीता, यानी गरीबी में, वो थोड़े सामान्य मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, और शिक्षा है जो बीए तक ही हो पाई, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने ज्यादा शिक्षा हासिल नहीं की। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब देखो, उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी तो की, परंतु असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था उसके अंदर उन्होंने भाग लिया। इसकी वजह से उनको सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि आप पता, अंग्रेजों का दबाव था, उनको नौकरी करने नहीं देते थे, होशियार थे, नौकरी लग गई थी, लेकिन फिर भी उनको त्याग पत्र देना पड़ा। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्होंने क्या किया, लेखन कार्य करते अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनका एक उद्देश्य, एक एम हो गया, एक मंजिल हो गया, एक लक्ष्य हो गया कि मुझे लेखक ही बनना है। सन 1936 से 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, और 1936 के अंदर इस महान कथाकार का क्या हो गया, देहांत। यानी इनका जन्म 1880 में और देहांत 1936 में हो गया, यानी कि 20 और 30 50 56 साल, यानी 56 ईयर्स का कार्यकाल रहा इनका। प्रेमचंद की कहानियां है जैसे मानसरोवर के 8 भागों में संकलित, एक मानसरोवर नाम है उस, मतलब संकलन है, उसके अंदर 8 भागों में संकलित है, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंग भूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्म भूमि है, गोदान है। इनके प्रमुख उपन्यास है, मतलब उपन्यास है, तो उपन्यास बहुत अच्छे फेमस उपन्यास है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंग भूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्म भूमि है, गोदान है। फिर देखो, उन्होंने हंस है, जागरण है, माधुरी है आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि साहित्य जो सामाजिक परिवर्तन करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। मतलब उन्होंने जिस गांव और शहर के, हमेशा एक लेखक की खासियत रही थी कि लेखक जो भी होते थे ना, अपने आप को, मतलब उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, कैसे बड़े हुए, किस परिस्थितियों का उन्होंने, किस विपरीत परिस्थितियों, किन विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, वो सारी चीजें वो हमेशा अपने लेख में डालते थे। और उसी के आधार पर, मतलब जो उन्होंने देखा है, लाइव देखा है, ज्यादा कल्पना नहीं करके जो जीवन में ज्यादा देखा है उसी को लेखक, सारी कल्पना भी कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने ज्यादा, लेखक का ये भी एक खासियत थी, वो अपने देखते थे ना चारों तरफ के वातावरण के अंदर, वही चीज वो आगे लिखते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, मतलब जैसे गांव और शहर में गए, बड़े हुए, जीवन यापन किया, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कथा साहित्य में लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब सबसे ज्यादा किसान है, मजदूर है, उनकी दयनीय स्थिति है। फिर दलितों का शोषण है, पहले जो निम्न कास्ट के होते थे ना, उनके साथ बहुत मजदूर वर्ग, उनके लोग, उनके साथ थोड़ा अपर कास्ट वाले थोड़ा शोषण करते थे, बहुत ज्यादा शोषण करते। समाज में स्त्री की दुर्दशा, पहले औरत की इतनी वैल्यू नहीं थी, स्त्रियों की दुर्दशा थी, बहुत हालत खराब थी उनकी। स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी मूल रचनाओं के विषय हैं। फिर देखो, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने मनुष्य की नई, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब सिर्फ उन्होंने, प्रेमचंद का जो कथा साहित्य बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, व्यापक यानी बहुत बड़ा है। उन्होंने मनुष्य को ही नहीं,
बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत अद्भुत आत्मीयता दी है। यानी उन्होंने अपने लेखक के अंदर सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, मतलब अपने मानव प्रजाति को ही नहीं, पशुओं को भी बहुत ही उच्च श्रेणी का दर्जा दे रखा है उनके लेखक कथा में, साहित्य में। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता थी। मतलब बड़ी से बड़ी भाषा या बात को सीधे संक्षेप में थोड़ी सी बात में बोल दिया करते थे, यही उनकी विशेषता थी। उनकी भाषा सरल है, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी जो भाषा है वो सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। अब देखो, फिर देखो आगे है दो बैलों की कथा। अपने जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने लिखा है दो बैलों की कथा के बारे में। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर की, दो बैलों की कथा में है क्या, आखिर क्या है इसके अंदर। तो देखो, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कथा के अंदर इन्होंने कृषक समाज, यानी जो कृषक समाज है जो खेती करते हैं उनके समाज के बारे में, और पशुओं के, जैसे अपने मेरे पेरेंट्स के कृषक समाज से हैं दादा दादा वगैरह, तो आप भी गांव से, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो सारे सारे कृषक समाज से बिलोंग करते हैं, और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। भावात्मक एंड इमोशन, पशुओं में आपस में, पशुओं में जैसे इंसानों में एक दूसरे के प्रति इमोशंस होते हैं वैसे पशुओं में भी आपस में इमोशंस होते हैं। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता हमें अभी ऐसा लग रहा है स्वतंत्रता बड़ी आसानी से मिली है, जिन्होंने आंदोलन किया है जैसे गांधी जी है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कोई ऐसे ही मतलब आजादी के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है, खूब संघर्ष किया है, तब जाके हमें आजादी मिली है। तो उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती अपने आप, उसके लिए बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। फिर देखो, मतलब इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और पंचतंत्र के बारे में बताया, हितोपदेश यानी दूसरों को हित के, दूसरों के भलाई के बारे में उपदेश देने के बारे में भी बताया है। फिर देखो दो बैलों की कथा, अब अपन पढ़ते दो बैलों की कथा। यानी जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, जानवरों में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं उसे गधा कहते हैं। मतलब जानवरों में गधे का दर्जा सबसे नीचा है। हम किसी भी आदमी को जैसे कहते हैं ना गधा है तू, तो बिल्कुल ही, मतलब उसको जितना बेवकूफ, सबसे आदमी की जो सबसे नीचे कैटेगरी है उसकी नजर में, हमारी नजर में वो गधा मानते हैं हम उसको। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है। कवि मतलब प्रेमचंद जी कहते हैं कि गधा क्या सचमुच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन का, उसकी निरापद सहिष्णुता का लोग, मतलब सीधा है बेचारा, किसी को कुछ कहता नहीं, उसकी सहिष्णु है इसलिए उसको ये पदवी दे रखी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है। गायें सींग मारती है, ब्यायू गाय तो अनायास चियानी का रूप धारण कर लेती है। गाय हमेशा गायों के सींग लगे, गधे के सींग है नहीं, गायें सींग मारती है और ब्यायू हुई गाय तो अनायास चियानी। आपने देखा होगा जो गाय मतलब ब्याने के बाद वो गाय हमेशा सियानी का रूप धारण कर लेती है। दूध वगैरह निकालने जाते हैं अपने घर में माता जी वगैरह, तो कूदती है, भागने का प्रयास करती है, सब कुछ करती है, जब तक सीधी रहती है, ब्याने के बाद और तेज हो जाती है। फिर एक कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ जाता है। कुत्ता भी बेचारा बहुत गरीब जानवर हो जाता है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते देखा ही नहीं ना सुना। पर गधा एक ऐसा जानवर जिसको ना हमने आज तक कभी क्रोध करते देखा और ना कभी क्रोध करते उसको सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। गधा एक ऐसा जानवर जिसको आप कितना ही पीट लो, उसके सामने खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष यानी मायूसी नहीं होगी कि मेरे को ऐसा क्यों डाला। वैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर देता हो पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। गधा एक ही पोजिशन में था, नर्वस टाइप अलग से, उसकी न खुशी दुख गम कुछ नहीं, इमोशन लेस टाइप रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप छाया रहता है, उसके जो चेहरे पर जो भावना है विषाद टाइप, जिसको आप नर्वसनेस बोलते हैं, वैसी भावना छाई हुई रहती है। सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी कि गधे को ऋषि मुनियों के दर्जा दिया है इन्होंने, मतलब मुंशी प्रेमचंद ने कहा है गधे को बेवकूफ नहीं है, गधा एक ऋषि मुनियों का दर्जा जैसा है जिसको कभी लाभ हानि इससे फर्क नहीं पड़ता, कभी किससे कोई शिकायत नहीं करता, वो उसके साथ कितना ही अत्याचार क्यों ना हो, मतलब वो ऋषि मुनियों जैसे, ऋषि मुनि होते हैं ना, आप देखो तपस्या करते कितने भी जीवाणु कीटाणु कुछ भी आ जाए वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करते हैं, वो भगवान की
एकाग्रता में उसको याद करके उनको याद करके लीन रहते हैं। उसी प्रकार गधे को ऋषि मुनि ने जैसा दर्जा दिया है पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। पर आदमी क्या कह रहा है, वो बेवकूफ है, सदगुणों का इतना अनादर कभी नहीं देगा। कभी कह रहे हैं इतना सदगुण है, मतलब इतने अच्छे गुण है, उनका इतना अनादर होगा, उनकी इतनी बेइज्जती होगी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा आज तक दूसरों के साथ होते हुए देखा नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब तो कवि कह रहे हैं कि कभी भी सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, उस समय की बात है जब कवि लिख रहे हैं, मतलब ये जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे, मतलब अपने टाइम में लिख रहे हैं उन्होंने, उस समय मतलब भारतवासियों की अपनी अफ्रीका में बहुत दुर्दशा हो रही थी, उनको वहां पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही थी, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसना नहीं दिया था, और अमेरिका वाले भी अपने इंडियंस को घुसने नहीं देते थे, बेचारे शराब नहीं पीते चार पैसे, और अपने इंडियंस वाले थे ना कभी शराब पीते थे, चार पैसे कुसमा के लिए बचा कर रखते थे, चार पैसे वो बचा कर रखते थे, क्या पता कल के दिन बुरी स्थिति आ जाए और हमें वो पैसे खर्च करने पड़े। जी तोड़ कर मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चार बातें सुनकर गम खा लाते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम, फिर भी बदनाम। कहा जाता है जीवन के आदर्श को नीचा करते, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। यानी कि जापान की मिसाल सामने, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणीय बना दिया। जापान है ना, जापान को पहले कोई नहीं कहता था, आज जापान दुनिया का सबसे टॉप देश माना जाता है। उसकी वजह क्यों है, जापान ने एक विजय से अपने पूरे संसार में अपनी जाति को सभ्य और गणीय बना लिया। गणीय मतलब जिसकी गणना हो, पूरी दुनिया जिसको पूजे वैसा उन्होंने बना लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे का अपन आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, और लाइव क्लास अटेंड नहीं हो तो कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो को देखें, पढ़ाई को महत्व को समझें। आप अब नाइन्थ क्लास में हो, इतना केयरलेस नहीं हो, क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से पढ़ाई तो वैसे ही बर्बाद हो ही रही है, तो आप थोड़ा अपने आप को समय दें और ऑनलाइन क्लास को जारी रखें। थैंक यू, जय हिंद।